ये देखो भाई कुछ इस तरीके का है डैम हमारे यहाँ का जो बन रहा है, देख रहा हो आप नजारा काफी खूबसूरत सा, और हम जीतों से आए हुए हैं भाई, हमारी जीतों से। कभी मैंने सूखा नहीं देखा, कभी लाइफ में मैं इतना बड़ा हो गया, ये पेड़ को मैंने सूखा नहीं देखा, और इसकी जड़ मुझे पता नहीं है कहाँ है, ये छत के ऊपर लगा हुआ भाई, और नीचे कहीं भी इसकी नीचे कंडीशन में ऐसा कोई पेड़ नीचे तक नहीं जा रहा, ये छत पे से ऊपर से लगा हुआ दरगाह के पास। यहाँ आ गया ये अखड़ी अपनी जीतो, ये देख सकते हो आप जीतो, हम लोग भाई जीतो से घूमना फिरना करते हैं, कार भी हमारे पास, लेकिन हमने जीतो ही लाना बेहतर समझा। ठीक है आप चलते हैं अपन हाजी अली अंदर और उसी चीज दिखाते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर अपने को और भी काम करने, घर भी जाना है भाई, चलते हैं। आओ अपन चलते हैं वहां पर जो मेन यहाँ के हाजी अली बाबा हैं। चढ़ ले गया ऊपर, चल 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 चल। देखो जीना भी बनाऊ शानदार खूबसूरत है नजारा, भाई ऊपर चढ़ा चढ़ना पड़ेगा हमें, ये रोड है वाला रोड, यहाँ से और भी भाई मेरे हिसाब से 10 से 15 किलोमीटर बचा है, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको शानदार सा नजारा। मैं भी काफी दिनों बाद जा रहा हूँ, अब कंप्लीट हुआ है, इस वजह से मैंने कहा जीतों से चलते हैं और आप लोगों को भी नजारा दिखा दूंगा और कैसा क्या हमारे यहाँ का व्यू। और जब कंप्लीट हो रहा था जब गया था, जा रहा है हमारे पास में 25 किलोमीटर दूर एक डैम, सुबह सुबह मॉर्निंग में भाई 7:23 हुए, और आज हम लोग आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ का भी डैम कितना शानदार सा बन रहा है, और टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी सुबह सुबह इस गाड़ी की। ठीक है बन रहा है व्लॉग, में लाइक कर दो अभी तो फटाफट, चलो 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 आया रे भाई सही, ये हमारा घर है लंबा चौड़ा, अभी हम जा रहे हैं। चलो भाई चलते हैं अपना लॉन्ग सफर पे, और किलोमीटर बता रहा भाई, जीरो कर लेते हैं अपन किलोमीटर, ये जीरो में जीरो कर लिया किलोमीटर, कितने किलोमीटर बताते हैं आपको सर। तुम चला गाड़ी, जाओ गाड़ी तुम चला लो, जाओ जाओ अब हमारे बड़े भाई गाड़ी चलाएंगे। ये देखो दोस्तों ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, अपने बड़ा भाई चला रहा गाड़ी और ये बैठा हुआ भरोस, और मैं बैठेगा अब साइड में, क्योंकि गियर बहुत ज्यादा पंचायत कर रहा दोनों। चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जीतो, और डीजल डाला दिया अपन ने, और चलते हैं अपन अपने सफर पर जो अपने को चलना है। गियर बदलो,
एरिया, बहुत शानदार सा ट्रक, नया छत, जगह नया ट्रक। दोस्तों शानदार सा व्यू आने वाला है और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे कितने किलोमीटर, 13.6 किलोमीटर, मतलब 13.6 साढ़े 13 किलोमीटर आ गए हैं और काफी बढ़िया सा नजारा आने वाला है। और ये भाई हमारा एक कंप्लीट हुआ है, इस वजह से मैंने कहा जीतो से चलते हैं और आप लोगों को भी नजारा दिखा दूंगा और कैसा क्या है हमारे यहाँ का व्यू। और जब कंप्लीट हो रहा था, जब गया था मैं, तो बहुत टाइम पहले, अब तो काफी टाइम हो गया, कंप्लीट हो चुका है वो, अभी उसे बांधा नहीं है, काम चालू नहीं कर रहा, उसका उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन कम्प्लीट हो गया तो फिर भी एक तो है कैसा क्या है। ठीक है, बहुत मिलना भाई, सुबह सुबह ऐसे ट्रक मिलते रहते हैं अक्सर। दोस्तों वो जोड़ आ चुका है, अपन आ गए हैं उस जोड़ पे, गाड़ी 18 किलोमीटर हो चुकी है अपनी, जीतो 18 किलोमीटर और ये ट्रक निकला भाई। और अपना ये रूट अपन चिड़ी खो करके भी है भाई, इधर ये देख सकते हो आप, ये देखो भाई ये चिड़ी खो है यहाँ पर, ये यहाँ पर तरह तरह के जानवर मिल सकते हैं आपको अगर आओगे आप देखने तो। और ये रूट पे चल रहा अपन पोर्ट का, 5 किलोमीटर बचा है, जानदार था। और यहाँ से भी अभी दूर है, मतलब 5 किलोमीटर कोटरा है, कोटरा के बाद भी अपनों को चलना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, वाली जगह आ चुकी है एकदम, गाड़ी न्यूट्रल कर लो और चलती रहती है गाड़ी, इस टाइप का डाल जगह है ये। आ चुका है कोटरा, ये ईंट के पेड़े जमे हुए बेहतरीन से डिजाइन में, ईंट के भट्टे बोल लो, पीठे बोल लो, ये देखो डीजल पेट्रोल मिल जाता है यहाँ पे उस बोतल में रखा हुआ अलग से 20-30 रुपए ज्यादा में। देखो बेटा गियर निकालो, गियर ध्यान दो गियर पे जरा, तो दोस्तों हमारे यहाँ की फेमस दरगाह भी है यहाँ पर हाजी अली, एक तो हाजी अली बॉम्बे में है, हाजी अली हमारे यहाँ है, ये रूट चल रहा है ये टर्न राइट में, ये चढ़ा चढ़ना पड़ेगा हमें, ऐसा रोड है किनकारी वाला रोड बना हुआ है, और अभी सेकंड गियर डाल रखा है, फर्स्ट डाला है, अब चढ़ेगी भाई फर्स्ट गियर में गाड़ी ऊपर।
दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं हाजी अली दरगाह पे, और यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं नजारा। काफी पुराना इतिहास भी है यहाँ का, और ये आप देख रहे हो सामने जो बने भाई ये खम्बे है ना, 16 थे जो 16 थे ना, कितने थे 16 थे, ये है नहीं अब तो, खरे बचे हैं एक ही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना एक ही बचा, इसके ऊपर 16 थे ऐसा बताते हैं लोग। और यहाँ से बताते हैं कि यहाँ से चिमनी जलती थी तो कोई दिल्ली में देखी जाती थी, इस टाइप का अपनों को एक पता है, अपन ने देखा तो नहीं है। जो यहाँ का इतिहास लोग बताते हैं पुराने लोग, वही अपनों को मालूम है, तो वो मैं आपको बतला रहा हूँ। देखो ये कोई साहब की दरगाह यहाँ भी है, और ये बना है मेन दरगाह यहाँ की, ये यहाँ से पहाड़ों का भी नजारा काफी बढ़िया दिखता है। अभी अपन चलेंगे वहां पर, उसके बाद भी नजारे अच्छा दिखेगा। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा क्या लगा ये व्लॉग, और इस टाइप के व्लॉग भी अगर आप देखना है पसंद करते हैं कमेंट करना, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी जगह दिखा सकूं। ये देखो भाई काफी बड़े भाई, मतलब कैमरा में शायद ये नजारा नहीं आ पा रहा होगा, लेकिन जो नजारा है ना रियल में इसका, वो काफी खूबसूरत है। कैमरे में नजर नहीं आ रहा होगा, वो समझ में आ रहा है मुझे। अबे 16 ये नहीं है, 16 इसके ऊपर थे, मतलब समझ में आ रही है। ऐसे जो थे ये इससे मालूम नहीं है इसका, मतलब इसके ऊपर एक के ऊपर एक 16 ऐसे रखे हुए थे, मतलब ये है ना 15 थे इसके ऊपर, ये 16 है। इस टाइप का कुछ इसका इतिहास है। यहाँ से बता दिल्ली की चिमनी वगैरह दिखती थी, यहाँ से जलती थी वो मशाल जो भी जलता था। ये है नजारा, इन्हें मतलब इन्हें पता नहीं है इतिहास या अबे 16 कम वाला इतिहास है, लेकिन वही ये मामला नाम तो वही लेगा ना जगह। चढ़ लेगा ऊपर, चल 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 चल। देखो जीना भी बनाऊ शानदार खूबसूरत है नजारा। देखो आप पुराने लोग क्या कलाकारी करा करते थे, ये आज की मशीन है, आज के लोग क्या करेंगे भाई। पुराने लोगों ने कैसा रखे हुए, ये मत कर भाई बदला गिर गिर तो दिक्कत आ गई। तो और दूसरी चीज दिखाते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा, फिर अपने को और भी काम करने, घर भी जाना है भाई। चलते हैं, आओ अपन चलते हैं वहां पर जो मेन यहाँ के हाजी अली बाबा हैं, उनके पास चलते हैं अपन। ये आप पढ़ सकते हैं, टोटली चीज इसमें लिखी हुई है, 16 खंबे बिहार कोटरा, ये सब चीजें लिखा हुआ हिंदी में इंग्लिश में। एक बार भाई बिल्कुल क्लियर बतला दो ताकि सही पढ़ने में आ जाए। चल दोस्तों यहाँ आ गया ये अखड़ी अपनी जीतो, ये देख सकते हो आप जीतो। हम लोग भाई जीतो से घूमना फिरना करते हैं, कार भी हमारे पास, लेकिन हमने जीतो ही लाना बेहतर समझा। ठीक है आप चलते हैं अपन हाजी अली अंदर, और हाजी अली की दरगाह ये देखो लिखा हुआ क्लियर। चेतावनी भी वगैरह भी सब लिखी है, गंदगी करने पर 500 रुपए का जुर्माना। ठीक कुछ इस तरीके का है अंदर का व्यू, काफी खूबसूरत सा लगता है। कैमरा में शायद नहीं आ पा रहा हो वो सीन, वो चीजें नहीं आ पा रही हो, लेकिन वाकई में यहाँ पे काफी खूबसूरत सी जगह है, नजारे हैं।
बोलिए। ये देखो भाई यहाँ पर मस्जिद बनी हुई है, ये देख सकते हो आप, ये भी पुराने दौर की मस्जिद बनी हुई है यहाँ पर। बताओ मुझे, देखो आप पुराना दौर की मस्जिद है यहाँ, भरोस भाई ऊपर चढ़ गए, आ जाओ नीचे। देखो आप भाई कितना खूबसूरत सा नजारा है, कह रही यहाँ पे देखो आप पूरी चीज दिख रही है, यहाँ से पूरा मतलब एरिया दिख जाता है। और यहाँ पे है ना सीताफल के पेड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सीताफल सस्ता मिलता है, सीताफल मालूम है ना आपको, आपको बताता हूँ। ये जो पेड़ लगा हुआ है ना, ये आम का आपको दिख रहा है, ये पेड़ कभी मैंने सूखा नहीं देखा, कभी लाइफ में मैं इतना बड़ा हुआ है ये पेड़ को मैंने सूखा नहीं देखा। और इसकी जड़ मुझे पता नहीं कहाँ है, ये छत के ऊपर लगा हुआ भाई, और नीचे कहीं भी इसकी नीचे कंडीशन में ऐसा कोई पेड़ नीचे तक नहीं जा रहा, ये छत पे से ऊपर से लगा हुआ दरगाह के पास में। ये एक बहुत बड़ी करिश्मा है यहाँ का, और ये पेड़ कभी बारिश में तो खैर सूखने का सवाल ही नहीं, तो पूरी गर्मी में इस आसपास के पूरा एरिया सूख जाता पेड़ों का, लेकिन ये पेड़ कभी सूखा ही नहीं, देखा ही नहीं मैंने सूखा हुआ। और मैं इसके आइट साइड का आपको नजारा दिखा देता हूँ, जैसा क्या है पूरे पुराने जमाने के डिजाइन के पत्थर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ज्यादातर पत्थर यहाँ पर मिल जाएंगे। अपनी दी तो नीचे खड़ी भी है, देख सकते हो आप यहाँ से नजारे हैं काफी बढ़िया, यहाँ से मस्जिद का नजारा दिखता है। ये है मस्जिद पुरानी जो अभी मैंने आपको दिखाई इससे पहले, ठीक है चलते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको डैम का नजारा। चलो भाई चलो चलो, तो चलते हैं अपन अब डैम पे। यहाँ क्या जा रहा है? बेचारे लव वाले यहाँ पे नाम नाम लिख के जाते हैं, देखो पूरी दीवारें भर रखी लव लव है भैया लव।
यार बड़लू देख रहा है, कुछ दिख रही है, पता नहीं क्या चीज है अंदर। चलो चलो अब चलें यार, चलते हैं। ये है वह हाजी अली की दरगाह और ये है वो पेड़ और ये आ रही है अपनी जीतो स्टाइड होके और चलते हैं हम सर रखते हैं अपन नीचे। ये है ढालू रास्ता, हो चुकी है अपनी जीतो स्टाइड। क्या है कि भाई कभी कभी घूमने भी आ जाना चाहिए ताकि मूड को माइंड को एक फ्रेशनेस मिल जाए। हम लोग सुबह सुबह इसीलिए आए कि दिन भर के काम ना बिगड़े और सुबह सुबह यहाँ से घूम फिर के निकल जाए। कह आ रही है, आ जा इधर आ जा फुकट फालतू मत यार। तो कमेंट करना जरूर के ये मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ कि घूमना जरूरी होता है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। ये आ गई अपने पीछे जूतो, चलो भाई चलते हैं अपन डैम की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग रुके हुए हैं, थोड़ा सा चाय नाश्ता हो जाए और थोड़ा सा काफी टाइम ज्यादा हो गया है ना। तो भरोस चालू होएगी नहीं होएगी। चलो दोस्तों यहाँ आ चुके हैं, ये है लेफ्ट में रूड डैम का, सीधे चलना अपने को यहाँ से डैम की तरफ, कुछ इस तरीके का है रोड डैम का। रोड अभी बन रहा है, अभी आरसीसी वगैरह या डामर वगैरह होगा इसमें, इस टाइप का रोड है ये। ये कमेंट का रिप्लाई वाला वीडियो बनाएंगे। ये देखो भाई ये ऊपर घाट चढ़ रहा है अपन मंदिर की तरफ, सेकंड गियर डाल दिया है।
ये देखो भाई कुछ इस तरीके का है डैम हमारे यहाँ का जो बन रहा है, देख रहा हूँ आप नजारा काफी खूबसूरत सा, और हम जीतों से आए हुए भाई, हमारी जीतों से पानी इधर निकलेगा ही नहीं, नहीं तुम्हारे घर जाएगा पानी, इधर निकलेगा पानी, तुम्हारे घर जाएगा पानी, कमाकल ये पीलूगढ़ी की नदी है पार्वती, और कोई पहाड़ नहीं है, सब पहाड़ वहाड़ होंगे, थोड़ा ताली कर दी है क्या, थोड़ा ताली कर दी, कितने गेट है भाई, गेट देखो कितना बड़ा बना है भाई, है काफी खूबसूरत भाई। यहाँ जो हम चल रहे हैं यहाँ तो ये मान के चलो कि आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पत्थर कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे ये सब पता नहीं चलेगा, ये पेड़ दिख रहा सामने, ये सब नजारा ये दिख रहा है, ये वहां तक सब भाई डूब में रहेगा, और ये इतना इतना जितना खुले हुए हैं ये भाई यहाँ तक तो पानी, मतलब आपको समझ सकते हो कितना पानी होगा ये डैम, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये ऊपर रोड बना हुआ है, इसके ऊपर ये रोड जा रहा है, ये रोड जा रहा है, यहाँ तक से यहाँ से खड़े होकर देखना पड़ेगा ये नजारा, यहाँ पर तो आने का काफी खत्म हो जाएगा जो अभी हम चल रहे हैं, और ये जो नदी का पानी रोका जाएगा, जो नदी में आपको बता देता हूँ, मुझे ऊपर से नदी भाई अपने पीलूगढ़ी में जो नदी पड़ती है पार्वती, जिसका मैंने कई बार आपको ब्रिज बतलाया है, वो नदी यहाँ पे आके मिल रही है, वो पानी रोकेगा यहाँ पे, जी तो देखो अपनी कितनी दूर खड़ी हो गई और अपन कितनी दूर चल के आ चुके हैं, जी तो वो खड़ी है, क्या सोच रहा है भाई, पानी वानी मत जा रहे हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे इतना खुला एरिया होने के बाद भी कैसी डबल आवाज आ रही है पानी वाला, हेलो ये बरोस बेटे बड़ा वो गेट, हाँ कैसी लग जाएगा कि टोल जाने तोड़ेगा गेट, तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग, कैसा क्या लगा आपको नजारा भाई बताइएगा, हमारे इधर का डैम को आपको कैसा लगा और ये व्लॉग कैसा लगा, अगर आप ऐसे व्लॉग देखना चाहते हैं तो भाई कमेंट कर देगा ताकि मैं ऐसे आपको नजारे दिखाता रहूं हमेशा, और गाड़ी अपनी जो है गाड़ियों की डिटेल भी देता रहूं, ठीक है भाई। तो ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो भाई शेयर करिएगा, और यहाँ पर आना हो तो भाई आइएगा और मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हमारे भाई मिलेंगे, हाँ भाई कुछ कहना चाह रहे हो क्या?